Hello all, we've got the Pakistan captain Babar Azam to speak to media after the end of the Pakistan-Australia test series. I believe ke abhi hame kisi foreign journalist ne join nahi kiya hai, so sabse pehle hum urdu mein hi sawalat ka silsila shuru karte hain. Pehle Sohail Imran aap sawal kar le, Bilal Akil aur phir Umar Kalsin. अस्सलाम वालेकुम बाबर, अगर हम देखें पूरी तीनों मैचेस देखें तो हमें दोनों टीमों के दरमियान फर्क सिर्फ ये चीज का नजर आता है कि माइंडसेट का फर्क था और अप्रोच का फर्क था. उन्होंने अपनी इंटेंट शो की ऑस्ट्रेलिया टीम में. अगर हम पैची का टेस्ट मैच भी देखें, उन्हें इतना वक्त दिया था कि वो आउट भी कर सकते थे, लेकिन बड़ी अच्छी फॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम ने बचाया, बड़ा अच्छा खेला. लेकिन इस टेस्ट मैच में भी वही जीत के लिए गए, तो दोनों टीमों के दरमियान फर्क नजर आया एग्रेशन का. हम लोग फील करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा डिफेंसिव गए और सोए से आज हम 1-0 अपने होम ग्राउंड पर 24 सालों के बाद होने वाली सीरीज में शिकस्त खा गए. क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, डिफेंसिव तो हम नहीं गए थे, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेली और सिचुएशन के हिसाब से गेम प्लान होता है. ये नहीं कि आपको जाके बड़ी शॉट मारे या रन की तरफ जाए, सिचुएशन के हिसाब से आप देखते हैं कि किस तरह गेम को लेके चलना है. और जैसे अर्ली ऑन जो आज हमारा सेशन था उसमें हमने काफी अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमने 100 डिसमिसल हुए जिसकी वजह से हम मैच हार गए. और मेरे ख्याल से लड़कों ने फाइट किया उनके तीनों मैचों में, जिस तरह बॉलर्स ने और बैटर बैट्समैनों ने फाइट किया. आउटस्टैंडिंग जी. बिलाल की बिलाल आवाज आ रही है आपको? उमर आप सवाल करें. उमर फारूक. ओके बाबर, हम इस पूरी सीरीज में देखे, रमेश भाई ने भी एक बात बोली कि हमने पिचेस को टोन डाउन इसलिए किया कि हम ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है उस पर उनको देना नहीं चाहते. आपको क्या लगता है कि इन पिचेस पे थोड़ा बेहतर किया जा सकता है ताकि आपको भी चांस मिलता है? और दूसरी चीज है कि इस टेस्ट मैच में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नंबर 7 फॉर मिशन को ड्रॉप करना इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं. विकेट देखें, जब पिच जो थी वो दोनों टीमों के लिए सेम थी और दोनों के लिए कंडीशंस भी सेम थी. और जहां तक रही आपने हेमंत शरीफ की बात की, लेकिन उसमें हमारा ये प्लान था कि हम एक्स्ट्रा प्लेयर खिलाएं और जिस तरह उसने जो अपना रोल अदा किया नसीम शाह ने, उसने आउटस्टैंडिंग किया और पहले इनिंग में जिसने आउट किए, वो हमारा माइंड सेट ये था कि हमें ज्यादा पेस वाला बॉलर खिलाएं और उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट ओवर, वही हमें जो हमारा प्लान था उसमें हम कामयाब. मोहम्मद यूसुफ और कादिर ख्वाजा. बाबर कैसे देखते हैं कि जब टीम विकेट वक्त हुआ तो उस वक्त आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी थी? आप लोगों ने टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए जा रहे थे या टेस्ट मैच जीतने के लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की थी? बाकी बेस्ट रनों को भी आप प्लानिंग हमारी जो सिंपल ही थी. हमने जो हमारा यही था कि हमने मोमेंटम जो हमारे हाथ में आएगा तो हम उसके बाद टी के बाद हम सोचेंगे. उसके लंच के बाद हमारा नॉर्मली जो क्रिकेट हमने वही खेलनी थी और उसी को लेकर चलना था. अभी लंच के बाद आप डिसाइड नहीं कर सकते थे कि आपने चेस के लिए जाना है या आपने ड्रॉ के लिए जाना है. लेकिन उसके दौरान जो हमारी विकेटें गिरी हैं और सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारा प्लान यही था कि हम जितना हो सके हम करें. लेकिन पॉजिटिव माइंड था और हमारा जितना ही ड्रेसिंग रूम में यही बात हुई थी कि हमने चेस के लिए जाना. जी कादर फौजा. बाबर अस्सलाम वालेकुम. नो डाउट जान मारते दिखाई दिए तमाम खिलाड़ी, लेकिन आप ये सोचते हैं कि जाहिद महमूद को शामिल किया जा सकता था? वो उनका टर्निंग हसन अली की परफॉर्मेंस पर अगर बात की जाए तो हसन अली जिस तरह फाइटर हैं उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी इस टेस्ट सीरीज में नहीं दिखाई दी, तो क्या समझते हैं कि जाहिद महमूद या फहीम अशरफ जो है वो टर्निंग पॉइंट हो सकते थे पाकिस्तान के लिए अगर इस तरह के पिच थी, लो बाउंसी ट्रैक था? देखें मेन चीज होती है कॉम्बिनेशन. आपका किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं और दूसरा हमारा यही था कि ऑफ स्पिनर हमारे उनके साथ बैट्समैन थे और नुमान अली ने काफी अच्छी बॉलिंग करता है, तो मेरे ख्याल से उधर उनका भी लेग स्पिनर को इतना हेल्प नहीं मिली. उनके जितने भी आउट किए वो ऑफ स्पिनर ने ही किए. और दूसरा यही है हसन अली मैच विनर और एफर्ट करता है हमेशा. और देखें कभी कभार ये होता है कि आप अच्छा करने जाते हैं लेकिन वो होता नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं. लेकिन मुझे पूरा बिलीव है और हमेशा मैं बिलीव रखता हूँ उस पर. उसने काफी अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा और मैं काफी अच्छे मैच जिताए और मेरा एज अ कप्तान बिलीव उस पर उतना ही है जितना पहले था. जी लास्ट 3 क्वेश्चंस उर्दू में हम करेंगे. सबसे पहले राणा साजिद आप आ जाए और उसके बाद अब्बास रजा और शहबाज.
अस्सलाम वालेकुम बाबर, राणा साजिद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा सीरीज की जो ओवरऑल कारकर्दगी उससे मुतमईन है, और बैटिंग डिपार्टमेंट क्या समझते हैं कि तब्दीलियां करने की जरूरत है टेस्ट स्क्वाड के वाले से? थैंक यू सो मच। राम, ओवरऑल देखें काफी अच्छी सीरीज रही है, और जिस तरह हमने दो टेस्ट मैच खेले हैं, आउटस्टैंडिंग खेले हैं, स्पेशली कराची का मैच जिस तरह हमने डोमिनेट किया था और मैच को सेव किया था, अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैं आउट हो गया, लेकिन हमारा उसके बाद जो माइंड सेट ये था कि हम चेस पे जाते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है, मिस्टेक्स होती रहती हैं, और मेरे ख्याल से अभी जल्दी आपने फैसला कर लिया कि चेंजिंग कर लें या नहीं कर लें, अभी काफी देर है, और मेरे ख्याल से एक ओवर या एक सीरीज के बाद आप वो पुरानी जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी है वो भूलने नहीं चाहिए, और हमारे जितने भी टीम जितनी भी टीम है सारी एक्सपीरियंस टीम है और सीनियर प्लेयर्स हैं, और कम्बिनेशन काफी अच्छा बना है, और मेरा पूरा फेथ है उनको। शबाज सवाल करें। शबाज आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, नॉर्मली लाजमी बात है, पिचेस पे बहुत बात हो रही है, नॉर्मली हम देखते रहे हैं, बल्कि कप्तानों ने भी कहा, वसीम अकरम ने भी, वकार यूनुस ने भी, और लोग भी, कि पिच जो बनती रही है हमेशा कप्तान की मर्जी से बनती रही है। यहाँ कुछ ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो है बोर्ड मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो क्या ये जो पिचेस बनी है स्लो एंड लो डेड पिचेस, आपकी इसमें कंसेंट शामिल थी टीम कॉम्बिनेशन देख के? बाहर लग रहा था कि हमारे पास इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग अटैक भी नहीं है फास्ट, तो क्या आपकी कंसेंट शामिल थी इसमें या कहीं और से ये फैसले हुए? देखे होम एडवांटेज हमेशा होता है, और वो उससे का हमें फायदा उठाना चाहिए, कंसर्न आप कर सकते हैं, बाकी क्रिएटर के आदमी जो होता है, और जिस तरह उन्होंने तीनों मैचों में पिच तैयार की वो अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम डिफरेंट विकेट बनाते हैं या टर्निंग विकेट बनाते हैं, इसमें टर्न भी था, और जिस तरह उनके बॉलर्स को भी हेल्प मिली, हमारे बॉलर्स को भी हेल्प मिली, मेरे ख्याल से क्रिकेट अच्छी हुई है। लास्ट मैच में मेरे ख्याल से जो हमारा एक सेशन था उसकी वजह से हम मैच लूज कर गए, अदरवाइज मेरे ख्याल से तीनों मैचों में हमने एफर्ट किए एज अ टीम। लास्ट क्वेश्चन अब्बास सर। बबल, आज किस मौके पर आपने ये सोचा था कि अब हम मैच जीतने की पोजीशन पे नहीं है और हमें दफा के लिए जाना है? देखें, जब आपके मेन बैट्समैन आउट होते हैं और उसके बाद फिर आपके माइंड में डिफरेंट चीजें डिफरेंट सोच आ जाती है, और जिस जब मैं और साजिद खेल रहे थे उसमें मेरा यही था कि जितना हम इस पार्टनरशिप को लंबा लेके जाएं और इसको आखिर तक लेके जाएं, वहां पे थोड़ा सा मेरे था कि हम इसको ड्रॉ कर लें, लेकिन उसमें भी हम ये नहीं थे कि हम हर बॉल रोक रहे थे, जो हमारे एरिया में बॉल आ रही थी हम उसको यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन माइंड सेट पॉजिटिव ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया बाबर, बहुत शुक्रिया आप सबका।